अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम नियत के बयान में क्या फ़रमाते हैं। कल्बे सलीम का मालिक ही सच्ची नियतों का हामिल होता है, क्योंकि इसका दिल अंदेशों और वसवसों से पाक होता है और अपनी नियत को सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिस करता है। जैसे कि खुदावंद आलम का इरशाद है, वो एक ऐसा दिन होगा जिस दिन ना तो औलाद और ना माल फ़ायदा देगा, मगर ये कि जो अल्लाह के हजूर कल्ब सलीम लेकर आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की नियत इसके अमल से बेहतर है। नेज़ आपने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नेज़ फरमाया, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करता है। बस एक बंदे पर लाजम है कि वो अपनी हरकत और सुकून में अपनी नियत को अल्लाह के लिए खालिस करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसका शुमार गाफलों में होगा, और गाफलों की खुदावंद आलम ने मुज़म्मत की है। जैसे कि इरशाद हुआ, ये लोग तो चुपाइयों की मानंद है, बल्कि इनसे भी गुमराह हैं और यही लोग गाफिल हैं। और नियत इंसान की मार्फत के मुताबिक इसके दिल में पैदा होती है, और ईमान की कुदरत और कमज़ोरी के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। और ख़ालिस नियत रखने वाले अफराद की ख्वाहिशात नफ्स अल्लाह की अज़मत के सामने झुक जाती है, और ख़ालिस नियत वाला अल्लाह से हया करता है। वो खुद तो अपनी ख्वाहिशात तमन्नाओं के एतबार से तकलीफ़ में होता है, मगर लोग इससे राहत पाते हैं। नाज़रीन, मेरी अगर आज की वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।